मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा, आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डब्वाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं dsadkanama.com। हरियाणा में HCS भर्ती का परीक्षा परिणाम आ गया है और जी हम आपको बता दें कि इसमें कमल चौधरी है, उन्होंने टॉप किया है। इसके साथ साथ टॉप 10 में 6 बेटियां भी शामिल हैं। सिरसा की हम बात करें, सिरसा में भी एक बेटी ने HCS की परीक्षा है, ये कहूँगा कि HCS बन गई है क्योंकि 101 रैंक हैं वो प्राप्त किया है और इस वक्त हम उनके परिवार में मौजूद हैं। मोनिका रानी और देवराज हैं जो उनकी बेटी हैं, हमारे साथ इनकी माता हैं वो भी यहाँ पे हैं जो टीचर्स हैं सरकारी स्कूल में, और सुबह से ही बधाई देने वाले जो रिश्तेदार हैं शहर के लोग हैं फ़ोन घनघना रहे हैं और बधाई देने का सिलसिला है वो चल रहा है। हम उनसे चर्चा करने का जो है प्रयास करेंगे। सर बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत बधाई आपको भी प्रमोद जी सड़कनामा से, और बधाई सभी को, मेरे दोस्तों को, मेरे गुरुजनों को जिनके आशीर्वाद से हमारी बिटिया आज यहाँ तक पहुँची है। हमारे लिए वैसे ही बड़ा नामुमकिन था क्योंकि जिस हम फील्ड से आए हैं, जहाँ से हम उठे हैं, हमने कभी कल्पना नहीं की। और मैं इस सरकार को इसका श्रेय दूंगा, माननीय श्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को भी, कि नौकरियों में जो पारदर्शिता आई है उसी भाव से हमारा बच्चा आज यहाँ तक पहुँचे, अदरवाइज कोई मौका नहीं था। धन्यवाद। हम आपको ये भी बता दें कि जो है पहले भी जो मनोहर लाल सरकार ने पहले भी जो HCS की भर्ती की थी उसमें भी डब्वाली के एक जो है जूती बनाने वाले परिवार जितेंद्र हैं वो SDM भर्ती हुए थे, HCS जो है वो बने थे। और सिरसा में चूंकि आज जो रिजल्ट आया उसमें मोनिका रानी हैं, वो भी एक मिडिल फैमिली से हैं ये कह सकते हैं, और क्योंकि हमारे साथ उनके पिता हैं, दिल्ली में जो है वो तैयारी कर रही थी और प्रॉपर जो है 14-14 घंटे जो है परीक्षा को लेकर के पूरी तरह से सीरियस रही और काफ़ी कुछ टेस्ट है वो क्लियर रही, यानी कि UPSC को लेकर के भी इंटरव्यू तक 2 बार गई। सर 3 बार मेन एग्ज़ाम उसने लिखा है IAS का, UPSC का, और एक इंटरव्यू भी है, और 3 बार नेट क्वालिफाई है, JRF है, और PhD भी कर रही है। मौके देवीलाल यूनिवर्सिटी से जो है PhD कर रही हैं मोनिका, जिनका HCS में सिलेक्शन हो गया है। सर कितने नंबर है वो प्राप्त की, हालांकि टोटल्स जो हैं कमल चौधरी हैं जो टॉप रहे हैं उनको 398.75 अंक है वो उनको मिले हैं, जो है मोनिका को कितने नंबर मिले? मोनिका को लिखित परीक्षा में 312 नंबर मिले हैं और 43 नंबर उसको इंटरव्यू मिले हैं, टोटल 355 नंबर है इसके जी। और ये अपनी कैटेगरी वाइज 4th स्थान है इसका अपना कैटेगरी। तो पूरे जो है लोग हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त मित्र हैं जिनको ये सूचना मिली कि जैसे ही रिजल्ट आया बधाई दे रहे हैं फ़ोन पे, क्या कह रहे हैं? हम सारी रात नहीं सो पा रहे हैं, सारी रात से यही सिलसिला चल रहा है, लोगों का प्यार है ये, अच्छा लग रहा है। हालांकि मैं नहीं ले पाया, खाना भी नहीं खा पाया पूरी तरह, पर अच्छा लग रहा है, इतने लोग बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, आप जैसे मित्र प्यारे, अच्छा लग रहा है। अभी बेटी कहाँ है? जब इंटरव्यू देने के बाद जो आप बता रहे थे कि दिल्ली लौट गई थी परीक्षा को लेकर के, दिल्ली चली गई थी वो अपने UPSC के उसके आगे प्री की तैयारी के लिए दोबारा से, तो बस उसको था जैसा भी होगा भाई अपनी ये होगा तो होगा, नहीं तो फिर दोबारा UPSC में करूँगी। तो अभी उनको जैसे सूचना मिली कि उनका सिलेक्शन हो गया है, किस तरह की प्रतिक्रिया उनकी रही परिवार के साथ? खुश है, बहुत मस्त है, कहना ये तो एक अभी थोड़ा सा है और आगे अभी और जाना आगे, और वो अपनी सादगी से वैसे ही रह रही, और मैंने उसको कहा कि गाड़ी से आ जाएं तो कहना रेलगाड़ी से आऊँगी, कार से नहीं आऊँगी, और अपनी किसान एक्सप्रेस से आ रही है वो, और आज रात को 8 से 8:30 बजे के बीच पहुँच जाएगी।
धन्यवाद। हमारे साथ उनकी माता भी हैं। मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है जब ये पता चला कि बेटी का सिलेक्शन है, HCS में हो गया है? मैं तो बस सारी रात हमें नींद नहीं आई। मैं तो ये कहती हूँ भी जो भी बेटियाँ इतनी मेहनत करती है, परमात्मा सब बेटियों को कामयाब करे और मेरे जैसी बेटी तो परमात्मा सबको दे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही हर ऑलराउंडर है बेटिया। जैसे आपने देवराज जी ने बताया कि बेटी पहले हुई, उसके बाद 10 साल के बाद बेटा हुआ, तो यानी कि आपको जो है कभी ये महसूस नहीं हुआ कि बेटियों और बेटों में कोई अंतर है? जी नहीं, हमने तो सोचा ही नहीं भाई बेटा हो, हम तो बस बेटे में ही राजे थे, अभी यही हमारा बेटा है, तो बस वो समाज को देखते हुए थोड़ा हमें ये चांस लेना पड़ा, अदरवाइज हम बेटे में ही राजे थे। और आज मज़े की बात, मैं आज भी हम दोनों बेटी से ज़्यादा प्यार करते हैं बेटे से कम हमारा लगाव है, ऐसा नहीं है लगाव नहीं पर कम है, बेटी में ज़्यादा मुँह है हमारा। बाकी क्या कहना चाहेंगे उन बेटियों को लेकर के भी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो तैयारियां करती हैं लेकिन कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाती, उनको क्या कहें? मैं तो यही कहूँगी भी उन बेटियों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, परमात्मा फल जरूर देता है, एक ना एक दिन कामयाबी मिलती है, क्योंकि हम भी बहुत निराश हुए, कई बार रिजल्ट आते हम उदास हो जाते, लेकिन बिटिया हमें हौसला देती रहती, कहती कोई बात नहीं मम्मी अब मैं फिर जा रही हूँ, अब फिर लड़ेंगे मैदान में आएंगे। तो मैं बेटियों को ये कहती हूँ आप घबराओ ना, कामयाबी जरूर मिलेगी, खास करके बेटियाँ तो कामयाब होनी चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जो मोनिका रानी हैं, उनके परिवार से हमने बातचीत की। HCS में जो है सिलेक्शन हो गया है और निश्चित रूप से, क्योंकि कुल 155 जो है पद हैं वो HCS के जो बताए जा रहे हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में, हम आपको बता दें कि अलग अलग, जैसे BDPO है वो सबसे लास्ट कैटेगरी में रखा गया है, DSP है, इसके साथ ट्रैफिक मैनेजर है, काफ़ी ETOs हैं और फूड सप्लाई में है, तहसीलदार हैं, काफ़ी जो है कैटेगरियाँ हैं वो रखी गई हैं, लेकिन जो है मोनिका ने ये कहूँगा कि अव्वल स्थान है वो प्राप्त किया है, सिरसा की इस बेटी ने सिरसा का नाम है वो रोशन किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय भी जरूर दीजिए कि इस रिजल्ट को लेकर के, इस अपॉर्चुनिटी को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।